हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, हमारी एक कोशिश रहती है कि हम आपके सामने वो प्रोडक्ट लाएं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सके, पैसा कमा सके, उसमें कंपटीशन ना हो और कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सके। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा पार्ट वन, वो पहले पार्ट वन देखिए और उसके बाद पार्ट टू पे आइए, ताकि आपको पता लगेगा कि हमारा आपके लिए वीडियो बनाने का मकसद क्या है। देखिए, पार्ट वन में हमने बात की थी ऐसे ही एक प्रोडक्ट की जो महाराष्ट्र का एक यूनिक प्रोडक्ट है। ऐसे ही इस वीडियो में दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो भी महाराष्ट्र का एक यूनिक प्रोडक्ट है। अब आप कहेंगे, वाह, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है भाई? देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट है महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जिसे आप महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी भी कह सकते हैं। फेमस है बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में और महाबलेश्वर में। तो खास तौर से अब आपके माइंड में आएगा, सर ये महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी तो स्ट्रॉबेरी होती है, ऐसा क्या खास बात है स्ट्रॉबेरी में जो कि आप ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि यार इसका काम करो, इसका बिजनेस करो, इसका एक्सपोर्ट करो। स्ट्रॉबेरी तो सारी दुनिया में मिल सकती है, कहीं से भी प्रोड्यूस हो सकती है और कहीं भी एक्सपोर्ट हो सकती है, बाहर के देश भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। आ रहा है ना ये क्वेश्चन? चलिए जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ खासियत बताते हैं। क्या आप कभी महाबलेश्वर गए हो या महाबलेश्वर के नाम आपने सुना होगा, लेकिन कभी उनके प्रोडक्ट्स के बारे में सुना? तभी कहता हूँ कि अगर नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब कर लो। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की। महाबलेश्वर लगभग इंडिया की 85% स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन जो होता है वो महाबलेश्वर में होता है। ताज्जुब है, इससे पहले ये बात जानते थे? नहीं जानते थे। गूसबेरी हो गई, रास्पबेरी हो गई और अदर बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो महाबलेश्वर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। लगभग 3,000 हेक्टेयर और 30,000 टन का प्रोडक्शन सालाना महाबलेश्वर से आता है इन स्ट्रॉबेरीज का, फ्रूट्स का। अब क्यों ये फेमस क्यों है? चलिए ये तो हो गया, फ्रूट्स प्रोडक्शन हो रहे, फेमस कोई प्रोडक्ट क्यों होता है? अपनी क्वालिटी के लिए। इट डजेंट मीन कि हाँ मैंने एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दे दी। उसका कारण सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं होता, कोई प्रोडक्ट में USP होती है, कोई प्रोडक्ट की खासियत होती है जिससे वो फेमस होता है। सबसे पहली खासियत ये है इस प्रोडक्ट की कि ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल ही अलग है अदर स्ट्रॉबेरीज से, सबसे सुपीरियर क्वालिटी। अब क्वालिटी अगर मैं फ्रूट्स की बात करूंगा तो आप क्वालिटी में क्या कहेंगे? उसका रंग देखेंगे, उसका साइज देखेंगे, क्या सिर्फ यही चीजें देखेंगे? टेस्ट देखेंगे ना। फ्रूट्स में क्या होता है? टेस्ट, अच्छी क्वालिटी, दिखने में अच्छा, उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए, यही सब देखते हैं ना। तो ऐसे ही एक इसकी ये यूनिक क्वालिटी है कि अदर स्ट्रॉबेरी आप किसी भी देश की ले आए, इससे ये बिल्कुल अलग है और बहुत ही अच्छी टेस्टी है। तो सब एडवांटेज ये आपको मिल गया। अब इसके इतने टेस्टी होने का कारण क्या है? देखिए, महाबलेश्वर का क्लाइमेट जो है बहुत ही कूल है और जो वहाँ की रेड सॉइल है इसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, इसीलिए ये इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाती है। दूसरा, इनका प्रोडक्शन करने का तरीका, इसको ग्रो करने का तरीका, वो भी एक यूनिक तरीका है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। अब ये स्ट्रॉबेरी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या सिर्फ फ्रूट्स में यूज होती है, फ्रूट्स के लिए खाई जाती है? ये भी सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, सर कितने लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं भाई? हमारे गांव, हमारे देश में तो हम देखते भी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट होंगे, बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके माइंड में होगा, यार हमारे यहाँ तो इतनी मिलती भी नहीं है, अगर मिलती भी है तो ज़्यादा बिकती नहीं है। मानता हूँ, एग्री करता हूँ, लोगों का अलग अलग टेस्ट है, हो सकता है मिलती भी हो स्ट्रॉबेरी और बिकती भी ना हो, या कम बिकती हो, यहाँ ऐसी भी जगह हो जहाँ होती ना हो। भाई अगर जहाँ नहीं होती वहाँ शायद लोग खाते नहीं होंगे, लेकिन ये एक्सपोर्ट क्यों होती है? एक्सपोर्ट फ्रूट्स के माध्यम से तो होती होती है। अब इस स्ट्रॉबेरी का जैम भी बनता है। आपने मिल्क शेक लिया होगा, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, तो ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी से बनाया जाता है, वो फ्लेवर या आर्टिफिशियल्स फ्लेवर या एसेंस यूज नहीं किए जाते, ओरिजिनल लिया जाता है।
और आपने आइसक्रीम खाई होगी, खाते ही हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब एक तो रास्ता मेरे पास यह है कि केमिकल डालूं, और एक रास्ता यह है कि मैं ओरिजिनल इस स्ट्रॉबेरी का यूज़ करूं। साथ के साथ जो लोग वाइन पीने के शौकीन हैं, इस स्ट्रॉबेरी से नेचुरल वाइन्स बनाई जाती हैं। तो जो लोग वाइन पीने के शौकीन हैं, स्ट्रॉबेरी से वाइन भी निकलेगी, अच्छी क्वालिटी की, क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी होगी तो अच्छी क्वालिटी की वाइन होगी। आप कभी जाइए और देखिए, अलग अलग रेट की वाइन्स होती हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है तो ही अलग अलग रेट होता है, कोई सस्ता होगा तो महंगा होगा। तो यानी इस स्ट्रॉबेरी से जो वाइन निकलेगी वो महंगी और अच्छी वाइन में आएगी। तो ये है नेचुरल फ्लेवर और एसेंस जिन प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं वो इसी स्ट्रॉबेरी से निकाले जाते हैं या इसी स्ट्रॉबेरी से बनाए जाते हैं। तो ये भी एक इसका यूज़ है। जितनी भी बच्चों की टॉफ़ी होती है, केमिकल का जहाँ यूज़ नहीं किया जाता, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको ये नेचुरल फ्लेवर या नेचुरल स्ट्रॉबेरी की टॉफ़ीज बना के, स्लशेस बना के दिए जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी बचपन में या आज भी गर्मियों में बर्फ़ का गोला खाया होगा? क्या होता है, एक बर्फ़ होती है, उसके ऊपर फ्लेवर डाला जाता है ना, अलग अलग ऑरेंज फ्लेवर होते हैं, अलग अलग काला खट्टा फ्लेवर होता है। मैंने महाराष्ट्र में बहुत खाया है चौपाटी में। तो क्या होता है, अब केमिकल वाला चाहिए या नेचुरल चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। आपके सामने है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम यूज़ भी करते हैं, कभी कभार हमारे सामने होते हुए भी हमें पता नहीं होता, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि मुझे मार्जिन कहाँ मिलेगा, कौन से देशों में मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ। सबसे पहले आप इसको फ्रांस में एक्सपोर्ट करिए, फ्रांस में इसका मार्केट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद आप इसको बेल्जियम में एक्सपोर्ट करिए, बेल्जियम में इसका मार्केट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। गल्फ़ कंट्रीज़, मिडल ईस्ट में आप इसको एक्सपोर्ट करिए, बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन मिलेगा। मलेशिया में इसको एक्सपोर्ट करिए, बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन मिलेगा। और एक बात, ऐसे डब्बा पैक करके जो हमारे यहाँ बिकता है ऐसे नहीं जाएगा, फ्रोज़न होके जाएगा, रीफर कार्गो में जाएगा। अगर रीफर कार्गो के बारे में आपको नहीं पता तो हमने वीडियो डाला हुआ है, एक टाइप्स ऑफ कंटेनर, लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की एक सीरीज़ है, उसमें देखिएगा, टाइप्स ऑफ कंटेनर का एक वीडियो डला हुआ है, तो उसमें रीफर कार्गो के बारे में बताया गया है। तो उसमें एक्सपोर्ट होगा, ऐसा नहीं कि आपने मार्केट से खरीदी, डब्बा बंद किया, पैकिंग की और ऐसे एक्सपोर्ट कर दी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसीलिए बार बार कहता हूँ, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो ना यार, हिंदुस्तान हमारा है, सारे हिंदुस्तानियों को पता लगना चाहिए भाई, ऐसे 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 प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कोई सवाल है तो पूछिए, टेलीग्राम पे भी करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल का चैनल बना हुआ है, वो ज्वाइन करिए, नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद। With the